बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम द स्टूडेंट ऑफ एमएससी फोर्थ इन रमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एंड आई एम जरीश कयास फ्रॉम एमएससी फोर्थ। आवर प्रोजेक्ट इज सर्वर रूम टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम और इस प्रोजेक्ट में मेरे फेलोज हैं रुमिया नाज एंड फिलजा जुल्फिकार अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर अब्दुल जलील इन AIOU फिजिक्स डिपार्टमेंट। फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हमारे पास है इंट्रोडक्शन, पर्पस, रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स, वर्किंग प्रिंसिपल, कोडिंग, सिमुलेशन एंड कंक्लूजन। अभी इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर मॉनिटरिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम डिपेंड करता है कंट्रोलर के ऊपर। जो कंट्रोलर होता है वो हमारे पास सेंसर के अंदर लगा हुआ होता है और सेंसर को हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, लाइट को और ह्यूमिडिटी को। बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है सर्वर रूम टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ टू मॉड्यूल्स। द वन इज़ टेम्परेचर ऑब्जर्विंग एंड अदर इज़ द टेम्परेचर कंट्रोल। अब पर्पस देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने का हमारा पर्पस क्या था। इस प्रोजेक्ट को बनाने का हमारा जो पर्पस था वो ये था कि हम एक ऐसा पैरामीटर बनाएं जो कि ऑटोमेटिकली इस टेम्परेचर को सेंस करे और उसको कंट्रोल करे ताकि एक क्रिटिकल लेवल तक हो जाए, क्योंकि अगर क्रिटिकल लेवल से अबव हो जाए तो हमारा सेंसर काम करना छोड़ देता है। सपोज करते हैं कि इनिशियली अगर हीटर हमारे पास ऑफ है तो टेम्परेचर हमें LCD के ऊपर शो होगा। इसी तरह जब हम टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमारा तो वो LCD हमें उसके टेम्परेचर ज़्यादा शो करवाती जाएगी। टेम्परेचर जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वोल्टेज के, वोल्टेज जितना बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर भी हमारा देन उतना इंक्रीज करता जाएगा। अब देखते हैं ब्लॉक डायग्राम। हमारे पास टेम्परेचर सेंसर यूज़ होगा LM35, उसके साथ हम अटैच करेंगे ADC को। ADC इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। देन हम यूज़ करेंगे माइक्रो कंट्रोलर 89C51 जिसमें हम सारी प्रोसेसिंग करेंगे और देन हम LCD के ऊपर अपना टेम्परेचर जो है वो शो करवाएंगे। हमारे रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं 89C51 माइक्रो कंट्रोलर, ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, LM35 टेम्परेचर सेंसर और 16x2 की LCD यूज़ करेंगे और हम अपने माइक्रो कंट्रोलर को जो VCC देंगे पावर सप्लाई वो 5 वोल्ट्स की होगी। अब देख लेते हैं डिटेल व्यू ऑफ कंपोनेंट्स में बारी बारी सारे कंपोनेंट्स को। सबसे पहले हमारे पास 89C51 माइक्रो कंट्रोलर, दिस इज़ अ मिनी कंप्यूटर। ये हमारे पास एक मिनी कंप्यूटर होता है इट कंसिस्ट ऑफ 4 पोर्ट्स 0, 1, 2 एंड 3। इसके अपने इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, मेमोरीज, CPU और टाइमर्स होते हैं, 2 टाइमर्स। इसके हर पोर्ट के अंदर जो वो 8 बिट का डाटा स्टोर होता है इसलिए इसको 8-bit पोर्ट भी कहा जाता है या 8-bit माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके एडवांटेजेस हमारे पास होते हैं कि 4 किलो इसकी रोम होती है, 128 bytes ऑफ रैम और 2 टाइमर इसमें यूज होते हैं 0 और 1, और ये जो ऑपरेट करता है वो 2 to 5.5 volt। आप देख लेते हैं हमारे पास पिन नंबर 0 और 1 की जो वो अपने इनपुट और आउटपुट्स होती हैं, लेकिन पिन नंबर 3 जो है उसके अंदर सीरियल इनपुट्स होते हैं, इंटरप्ट्स होते हैं, टाइमर होते हैं और रीड और राइट की कमांड्स होती हैं। आप LCD को देख लेते हैं, जो 16x2 की LCD हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मोस्टली जो मार्केट्स में यूज़ होती हैं LCDs वो 1 लाइन 2 लाइन या 4 लाइन की यूज़ होती हैं जो कि मोस्टली 18 करेक्टर्स को शो करवाती हैं, लेकिन हम जो यहाँ यूज़ कर रहे हैं इट कंसिस्ट ऑफ 1 माइक्रो कंट्रोलर विथ 14 पिंस। आप देख लेते हैं ADC को, हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है जो हम टेम्परेचर सेंसर से मिलने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ 20 पिंस और इसके अंदर भी 8-bit डेटा स्टोर होता है। इसकी पिन नंबर 10 को हम ग्राउंड करते हैं और पिन नंबर 20 पे हम VCC देते हैं और ये इजीली आर माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस कर सकते हैं और इसकी जो आउटपुट होती है वो वेरी करती है 0 से 255 वोल्ट के दरमियान। आप देख लेते हैं हम टेम्परेचर सेंसर को LM35 को, ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो टेम्परेचर को सेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम, इसकी 3 पिंस होती हैं, पिन नंबर 1 को हम VCC देते हैं, पिन नंबर 2 पे हम आउटपुट लेते हैं और पिन नंबर 3 को हम ग्राउंड करते हैं और इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो वेरी करता है टेम्परेचर के साथ साथ, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। जैसे ही वोल्टेज चेंज होता है साथ ही साथ टेम्परेचर भी चेंज होता है। आप देख लेते हैं हम इसके बाकी कंपोनेंट्स। रेजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो करंट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें और जितना करंट को रिड्यूस करने की इसकी एबिलिटी होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट, इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम।
अब नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ होता है चार्ज को स्टोर करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। हम यहाँ पे कैपेसिटर भी यूज़ करेंगे। और देन है हमारे पास क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल और आइंस एक थ्री डायमेंशनल ऑर्डर में एक पैक होते हैं जो रिपीटेड पैटर्न के साथ साथ बार बार रिपीट हो रहे होते हैं इनटू अ सॉलिड, उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। यहाँ हम अपने इस प्रोजेक्ट में क्रिस्टल भी यूज़ करेंगे 11.05 किलो ओम्स का। अब वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम LM35 को अटैच करेंगे ADC के साथ। ADC जो है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है एंड वो एनालॉग टू डिजिटल जो है वो कन्वर्ट करेगा और देन टेम्परेचर जो है वो LCD के ऊपर शो करेगा। फर्स्ट हम जो है वो ADC को पोर्ट नंबर 1 ऑफ माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच करेंगे, देन पिन नंबर 2 को टेम्परेचर सेंसर LM35 के साथ अटैच करेंगे, फिर पिन नंबर 3 को LM35 के साथ अटैच करेंगे और देन हम पिन नंबर 1 जो है LM35 की उसको हम ग्राउंड कर देंगे। ऑन पोर्ट 2 ऑफ माइक्रो कंट्रोलर हम कनेक्ट करेंगे अपनी LCD को 16x2 पिन फ्रॉम D0 to D7। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 19 जो होगी उसके ऊपर हम क्रिस्टल को लगाएंगे 11.059 का और विद कैपेसिटर 30 पिको फेरेड का कैपेसिटर भी लगाएंगे। पिन नंबर 18 के ऊपर भी हम लोग जो है वो सेकंड पिन ऑफ क्रिस्टल लगाएंगे और कनेक्ट करेंगे उसको कैपेसिटर के साथ 30 पिको फेरेड के कैपेसिटर के साथ। पिन नंबर 9 के ऊपर हम जो वो थर्ड कैपेसिटर को अटैच करेंगे जो हमारे पास होगा 10 माइक्रो फेरेड का और पिन नंबर 31 के ऊपर जो वो थर्ड कैपेसिटर लगाएंगे और VCC देंगे और इसके बाद जब प्रोसेसिंग होगी तो हमारे पास टेम्परेचर LCD के ऊपर शो होगा। अब कोडिंग देख लेते हैं। हम इसमें सबसे पहले जो है वो माइक्रो कंट्रोलर को इनिशियलाइज करेंगे और देन हम इसके बाद जो वो कमांड्स देंगे LCD की, देन ADC की और इसी तरह M35 की। तो हमारे पास ये जो है वो पिच सिमुलेशन हम इसकी देख लेते हैं। इसके बाद सिमुलेशन देखेंगे। ये हमारे पास हार्डवेयर है। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है सर्वर रूम टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये टेम्परेचर सेंसर LM35 और इसको कनेक्ट किया हमने ADC के साथ क्योंकि हमें जो सिग्नल मिलेगा वो एनालॉग की फॉर्म में होगा, इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। हमने माइक्रो इसको 9 वोल्ट की बैटरी दी है तो ये टेम्परेचर हमारे पास LED के ऊपर शो कर रहा है। जैसे ये रूम टेम्परेचर भी 15 डिग्री है। अभी हम इसको हट देंगे तो हमारे पास टेम्परेचर चेंज कर रहा है 17 डिग्री। अब हमारे पास है सिमुलेशन में हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने यूज़ किया LM35 अपना जो टेम्परेचर सेंसर है उसको कनेक्ट किया ADC के साथ और जैसा कि हार्डवेयर में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, देन माइक्रो प्रोसेसर के साथ और फिर हमारे पास टेम्परेचर जो वो शो हो रहा है LED के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास एक कंक्लूजन, टेम्परेचर चेकिंग और कंट्रोलिंग हमारी फिनिश होगी जिसके लिए हमने LM35 को यूज़ किया था टेम्परेचर सेंसर के लिए और LCD पे उसने हमें शो करके दिखाया कि हमारा कितना टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर सर्वर रूम टेम्परेचर। तो होल जो बेसिक लीडरशिप है वो हमारे पास, हमने उसको जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर काम किया और इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं टी प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए और कंट्रोल टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द टी क्लीन आउट। थैंक यू।